अल्लाह ताला तुहाड़े ते मशक्कत नहीं चाहते, बल्कि तुहानू पाक करना और अपनी नेमत नू पूरा करना चाहते ने ताकि तुसी शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह ताला दी अपने बंदियां ते रहमत है कि उन्हें मोजे और जराबां ते मसा करन दी इजाज़त दिती है, वजू च पाँव धोण दे बदले। एक दफ़ा मसा करना उपर दी तरफ सज्जे हथ दे नाल सज्जे मोजे दे उत्ते और खब्बे हथ नाल खब्बे मोजे दे उत्ते हाथ दी उंगलियां नू खोलदिया होया ते पैरां दी उंगलियां तो शुरू करदिया होया पिंडलियां दे शुरू तक, और एक हाथ एक साथ भी दोनों नू मसा किया जा सकता है, ते खब्बे नाल खब्बा ते सज्जे नाल भी, और इन्हें आसानी है। लेकिन शर्त यह कि मोज़ा पाक होवे नजासत तो ते पूरे पैर नू ढापन आला होवे ढक्कण आला होवे। मसा करन दी मुद्दत जिहड़ी है मुकीम वास्ते एक दिन और रात है ते मुसाफिर वास्ते 3 दिन ते 3 रातां। मसा करन दा हिसाब पहली दफ़ा मसा करन नाल होएगा वजू टुटन तो बाद। मिसाल दे तौर ते जिन्हें फजर दा अले वजू किया तो उनका वजू 9 बजे टुट गया, तो दोबारा उन्हें वजू 12 बजे किया तो मसा किया मोज़ियां ते मुद्दत दा हिसाब 12 बजे तो होएगा ना कि 9 बजे तो। और मसा करना छोटे हदस नाल होएगा, वड्डा अगर हदस होया तो उते गुसल वाजिब होएगा। जिन्हें मोजे उतार दिते या मुद्दत खत्म हो गई तो वजू कायम रहेगा उनका जितों तक वजू तोड़न वाली ना वजू तोड़न वाली चीज़ ना वजू टुट नहीं जाता। अगर दोबारा मसा करना चाहता है तो वाजिब है उनके वास्ते कि मुकम्मल वजू करे और उनके पाँव भी अपने अपने पैर भी धोए फिर मोजे पाए।